अब हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर क्यू नॉट पे फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने पूरी की पूरी रिंग को, यहाँ पर अगर हम डायग्राम ध्यान से देखें तो रिंग हमें सर्कुलर ना दिखकर एलिप्टिकल शेप की दिख रही है, क्योंकि हम रिंग को साइड से देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस इस रिंग का एक्सिस है, इसका मतलब ये रिंग वाई जेड प्लेन में है। तो इसकी एक्सिस पर जो चार्ज क्यू नॉट है उस पर फोर्स निकालने के लिए हम इस रिंग पर कई सारे डायमेट्रिक अपोजिट एलिमेंट्स लेंगे। तो ऐसे ही हमने दो डायमेट्रिक अपोजिट एलिमेंट, ये वाला और ये वाला लिया। इन दोनों पर चार्ज सेम है क्योंकि हमने कहा कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से और इस वाले एलिमेंट की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। माना कि ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से लगने वाला फोर्स df1 है और नीचे वाले एलिमेंट की वजह से भी लगने वाला फोर्स df2 है। अब अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो Q0 की दोनों ही डायमेट्रिक अपोजिट एलिमेंट्स से डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि df1 और df2 का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये सेम होगा। तो अब हम यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट करेंगे। अभी डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो df2 के दो कंपोनेंट हुए, पहला कंपोनेंट df2 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट df2 sin थीटा। इसी तरह से df1 के भी दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट df1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ df1 sin थीटा। बींग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, df1 sin थीटा और df2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जिस तरह से इन दो डायमेट्रिक एलिमेंट की वजह से फोर्स अलोंग एक्सिस आया, तो पूरी की पूरी रिंग की वजह से भी लगने वाला फोर्स हर एलिमेंट की वजह से df cos थीटा कंपोनेंट के समेशन के इक्वल होगा। तो नेट फोर्स रिंग की वजह से चार्ज पर समेशन ऑफ df cos थीटा, तो ये हो गया kq k dq q नॉट by r स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पर kq नॉट by r स्क्वायर, डायग्राम से क्लियर है cos थीटा को हम x by r लिखेंगे और ये रहा सिग्मा dq। तो यहाँ पर जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो होगा के क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू। तो इस तरह से हम एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाय, इस स्मॉल आर की जगह पर हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये पावर 3/2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में फोर्स का एक्सप्रेशन आया। अब अगर हम x इक्वल टू जीरो पर, मतलब जो टेस्ट चार्ज हमने q नॉट लिया वो x डिस्टेंस पे ना होके सेंटर पर है, तब भी उस पर फोर्स जीरो होगा। समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये रिंग है, अब हम इस रिंग को ऊपर फ्रंट व्यू से देख रहे हैं और इस पे सभी तरफ चार्ज है। सेंटर पर अगर हम क्यू नॉट रखें तो जो इस
आपकी वजह से रिपल्सन है वही इसकी वजह से रिपल्सन होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर क्यू नॉट है तो भी फोर्स जीरो, एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट है तो भी फोर्स जीरो। इसका मतलब सेंटर पर और इन्फाइनाइट के अलावा सभी पॉइंट पर फोर्स जीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ दो तरह से बनाया जाएगा। अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड और एक्स में बनाएं या वेक्टर फॉर्म और एक्स में बनाएं, तो ये ग्राफ अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बनाते हैं तो इस तरह से आएगा, और अगर वेक्टर की फॉर्म में बनाएं तो यही ग्राफ लगभग इस तरह से आएगा। इसका मतलब यहां पर किसी डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम है, जो कि हम नोट्स में प्रॉब्लम 18 के रेफरेंस से जान सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास में a बाय रूट टू या माइनस a बाय रूट टू होगी। अब हम यहाँ पर यह समझें कि मैग्नीट्यूड का ग्राफ ऐसे और वेक्टर का ग्राफ ऐसे क्यों है। तो समझते हैं कि अगर हमने, जैसे ये रिंग है, इस रिंग पर चार्ज पॉजिटिव था, टेस्ट चार्ज हमने एक बार एक्स एक्सिस पॉजिटिव की साइड रखा और एक बार नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड रखा, तो यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है और यहाँ पर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं तो ये रहेगा, और स्केलर फॉर्म में बनाएंगे तो ये रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे।